वेलकम रिएक्शन क्विज की जनता, मेरा नाम है मुदस्सिर। एक और नई वीडियो के साथ मैं वापस आ गया हूँ। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो की हाल चाल सत श्री अकाल, मैं हूँ ट्रिगर्ड मैन और आज मेरे पास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। मैं हूँ एक इंडियन मीडिया वाला और आप लोगों को तो पता ही है कि हम कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार में चुंबन लेती पकड़ी गई बीबर। संगीत की दुनिया में छा जाने वाली किशोरी जस्टिन बीबर को जैस्मिन विलेगास के साथ कार की पिछली सीट पर चुंबन करते हुए पकड़ा गया। गौर से देखिए इस वहशी दरिंदे को। नौची नौची किशोरी जस्टिन बीबर, ये एक नेशनल न्यूज में आर्टिकल था गाइस, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है कि हमने जस्टिन बीबर को मेल से फीमेल डिक्लेयर कर दिया है। बट डू वी केयर? नो। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है यहाँ पे भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और शुभमन गिल के बारे में। विराट कोहली आखिर शुभमन गिल पर हमेशा अटैक क्यों करते रहते हैं? दरअसल सारा तेंदुलकर सचिन तेंदुलकर की बेटी है और शुभमन गिल को भी अगला विराट कोहली माना जाता है। तो अगर इन दोनों के जीन जब साथ में मिलेंगे, तब जो बच्चा आएगा वह विराट कोहली के भी रिकॉर्ड को तोड़ देगा। इसीलिए विराट कोहली उन पर हमेशा अटैक करते रहते हैं ताकि उनके खराब हो जाए। और आप लोगों को लगता था कि हम यहाँ पे सिर्फ बेफालतू की खबरें देते हैं। शायद दुनिया में कहीं पे कोई ग्लेशियर मेल्ट हो रहा होगा, लेकिन विराट कोहली शुभमन गिल के क्यों करते हैं वो जानना ज्यादा जरूरी है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, लेकिन विराट कोहली शुभमन गिल के ऐसे क्यों करते हैं ये खबर जानना ज्यादा जरूरी है। और ये मच्छर मुझे इतना क्यों परेशान कर रहा है, इससे भी ज्यादा जरूरी है। अब कुछ लोगों को लगता है कि हम मीडिया वाले दिन भर बैठ के बेफालतू की खबरें लिखते रहते हैं, लेकिन नहीं, हम कितनी मेहनत करते हैं आप देखिए। ये देखिए इस वक्त द्वारका हम पहुंच चुके हैं। गुजरात के द्वारका में इतनी तेजी से हवाएं चल रही हैं कि खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि विपर जो तूफान जो 150 किलोमीटर की रफ्तार से इस वक्त अब होता है, जो हवाएं चल रही हैं कि ये विपर जो तूफान है, इसीलिए कहा जा रहा है लोगों से कि पोर्ट से दूर रहिए। अरे बाप रे, आई नीड टू लर्न क्या मेथड एक्टिंग करी है अगली ने। अरे बाप रे, अरे मेरा छाता। शादी के 9 साल बाद पता चला वह औरत नहीं मर्द है। जस्ट इमेजिन, 9 साल तक तुम्हारी पत्नी तुम्हें कह रही है अभी नहीं प्लीज, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं प्लीज, आज नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, और ऐसे 9 साल बीत गए और 9 साल के बाद तुम्हें पता चलता है वो तो स्त्री है ही नहीं, वो तो पुरुष है। 9 साल तक तेरे को पता नहीं चला कि तू जिसके साथ रह रहा है वो एक लड़की नहीं लड़का है। अबे क्या कभी 9 साल में ध्यान से देखा तक भी नहीं उसको, कभी झप्पी भी नहीं करी। ऑलराइट गाइस, तो अगली बड़ी खबर जो है वो सीधा आ रही है जंग के मैदान से। हमारी संवाददाता सुईमुई जो है वो जंग के मैदान पर इस वक्त मौजूद है। संवाददाता सुईमुई, बताइए क्या ब्रेकिंग न्यूज है? प्रचंड एयरपोर्ट लेवेते చేశారు అప్ తప్పక వాళ్ళకి మెసేజ్ పాస్ చేశారు అంటున్నారు, కానీ రష్యా సంవాదదాత సుయిముయి ముఖ్యంగా సంవాదదాత సుయిముయి हेलो संवाददाता सुईमुई जी, हेलो गाइस, हमारे यहाँ पर जो है सिग्नल टूट गया है संवाददाता सुईमुई के साथ। आई थिंक वहाँ पे कुछ दिक्कत हो गई है, वहाँ पे थोड़ा एनिमेशन वीएफएक्स हमने कुछ ज्यादा ही हैवी घुसा दिए है, यहाँ पे बहुत ज्यादा हैवी ड्राइविंग हो गई है, समझ नहीं आ रहा संवाददाता टैंक भाई स्क्रीन के अंदर से बाहर निकला और खत्म। संवाददाता सुईमुई, आप हमारी यादों में 2 सेकंड का मौन व्रत रखेंगे। तो अगली बड़ी खबर जो है वो आ रही है देहरादून से, जहां पे हनी सिंह के गाने सुनकर खेत से भाग रहे हैं जंगली सुअर। जी हाँ गाइस, द लेजेंडरी रैपर हनी सिंह, जिनके गाने सुन के हम सब बड़े हुए हैं, ब्लूटूथ एरा के किंग जिनको हम मानते हैं, उनके गाने सुनकर जंगली सुअर जो है वो भाग रहे हैं खेतों से। आप क्या डरे हुए ये बताइए, आप डरे हुए परिवार के साथ? पूरा परिवार डरा हुआ यार, मौत से किसको डर नहीं लगता, मेरे को जिंदगी में सिर्फ एक चीज से डर लगता था, मौत से। जी हाँ गाइस, ये जो आर्टिकल है ये हमने एक नेशनल न्यूज में छापा है, जहाँ पे नैनीताल के किसानों को जब सारे जतन करने के बाद भी जंगली सुअरों और दूसरे जानवरों से मुक्ति नहीं मिली, तो उन्होंने एक बड़ा ही अनोखा उपाय खोजा। उन्होंने लाउड स्पीकर पर तेज आवाज में हनी सिंह के गाने चलाए, जिससे न केवल जंगली सुअर बल्कि दूसरे जानवर भी खेतों से दूर भाग रहे हैं। जी हाँ गाइस, ये न्यूज जो है हमने ना ही इसको फैक्ट चेक करा है, ना ही इसके पीछे कोई पुख्ता
सबूत है, ना ही इसमें कोई लॉजिक है, ना ही सेंस है, बट फिर भी हमने एक नेशनल मीडियम में छाप दिया है क्योंकि व्हाई नॉट, बिकॉज वी कैन, आई मीन हु केयर्स। और हेडिंग इतनी ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल है हनी सिंह जैसे एक लेजेंडरी सिंगर के लिए, लेकिन हम भाई हम क्यों फर्क पड़े, हमें क्या भाई, जिसको जो उखाड़ना उखाड़ ले भाई, हम तो छापेंगे। और अगली खबर जो है वो आ रही है जगदीशपुर से, जहाँ पे 7 महीनों से पति था बाहर, पत्नी हो गई गर्भवती, बोली सपने में आते थे पति। जी हाँ गाइस, सपने में आते थे पति, 7 महीने से पति पत्नी साथ नहीं थे, एक दूसरे से मिल नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी पत्नी हो गई गर्भवती क्योंकि पति सपने में आते थे, सपने में आते थे पति। जी हाँ गाइस, जगदीशपुर की ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, दिल दहला देने वाली खबर आ रही है। और छत्तीसगढ़ से ये ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि शादी के बीच पहुंची प्रेमिका, प्रेमिका और दुल्हन दोनों तैयार हो गई दूल्हे के साथ रहने के लिए, दोनों के साथ में हो गए फेरे। वाह तुम जैसे नल्ले बेरोजगार जिनको यहाँ पर एक नहीं मिल रही है, यहाँ पे भाई ने एक साथ दो दो शादी कर ली थी, सेट नहीं करी, दुल्हन तो उसको मिल ही रही थी, साथ में प्रेमिका भी, और वो दोनों भी राजी हो गई है। अरमान मलिक से इंस्पायर हो गए, जनरेशन किस तरह चलती जा रही है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ भाई। इंस्टाग्राम और टिकटॉक वाली जनरेशन जो है ये बहुत गलत दिशा में चलती जा रही है, बट मेरे को क्या है, मेरे को तो अच्छा कंटेंट मिल रहा है, बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। और अगली बड़ी खबर जो है ये आ रही है बेंगलोर से। वहीं अब कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में भी चोरों ने एक ऐसा कारनामा कर डाला जिससे हर कोई दंग है। सड़क पर बने बस स्टैंड को जड़ से ही गायब कर डाला। एक सेकंड संवाददाता जी, मेरे को आपको बीच में रोकना पड़ेगा क्योंकि एक और खबर आ रही है। बिहार की राजधानी पटना में खड़े हैं, जहां से एक पूरा का पूरा जो मोबाइल टावर है वो चोरी हो गया। मोबाइल टावर चुरा लिया गया है, मोबाइल टावर चोरी हो गया। मोबाइल का पूरा टावर कैसे चुराया जा सकता है, मोबाइल का टावर, क्या एक और बड़ी खबर आ रही है। वेट, रेल इंजन ही चुरा ले गए। रेल इंजन चुरा लिया, रेलवे यार्ड से सुरंग के जरिए चोरी। क्या चल रहा है भाई, ये क्या, एक सेकंड एक और बड़ी खबर आ रही है, यहाँ पे कुछ और भी हो गया है। तालाब चोरी का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। तालाब चोरी, अरे कुछ भी मतलब, पानी होता है ना उसके अंदर, तो तालाब कैसे कोई चोरी करके लेके जा सकता है। ओ भाई मारो मुझे। और एक और ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है यहाँ पे बिग बॉस के बारे में। बिग बॉस 17 का विनर पता चल चुका है। शॉकिंग न्यूज निकल कर आ रही है जी गाइस, यहाँ पर बिग बॉस 17 में पब्लिक को जो है अपना विनर मिल चुका है। जी गाइस, जिसे पब्लिक सपोर्ट कर रही है, जिसे पब्लिक की डिमांड की वजह से विनर बनाया गया है, जी गाइस वो हमें पता चल चुका है। जी गाइस, जो बात बिग बॉस के मेकर्स को शायद खुद भी नहीं पता है, इस चिरांद न्यूज वाले को पता है, क्योंकि ये इंसान जो है ये फ्यूचर से आया, इसको सब पता है, इसको ये भी पता है अर्थक्वेक कब आएगा, सुनामी कब आएगी और बिग बॉस कौन जीतेगा, ये भी पता है इसको। बिग बॉस वाले 4 महीने का बिग बॉस तो बेफालतू में करवाते हैं, इसी से ही पूछ लेते हैं विनर, इसको सब पता ही है, इसका सब पता है, लेकिन मेरे को तो कुछ भी नहीं पता है। मेरे को तो ये भी नहीं पता इस साल बिग बॉस के फिनाले में कौन कौन पहुंचा है, लेकिन तुम्हें तो पता है, और तुम किसको सपोर्ट कर रहे हो वो बताना मुझे कमेंट्स में, क्योंकि उससे इस वीडियो की एंगेजमेंट बढ़ जाएगी, तो बता देना, व्हाई नॉट। एक सेकंड रुकावट के लिए कहते हैं, इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर आ रही है गाइस, यहां पर बाघों की प्रेम कहानी, ब्रेकिंग न्यूज है गाइस, बाघों की प्रेम कहानी, फिर भी बाघ बोला आई लव यू, 3 साल छोटे बाघ पर आया दिल, बाघ भी हो गया बाघ बाघ। जी हाँ गाइस, बाघ हो गया बाघ बाघ, दुनिया की सारी खबरें एक तरफ, बाघों का आई लव यू चल रहा है यहाँ पे, 3 साल छोटे बाघ पर आया दिल, बाघों ने बोला है बाघ बाघ हो गया दिल, बाघ बाघ हो गया गार्डन बाघ बाघ गार्डन बाघ 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 बाघ। आज मेरे पास बस इतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज थी आप सभी के लिए। आज का ये न्यूज का कार्यक्रम पसंद आया हो तो आप लोगों को इस वीडियो को एक लाइक वाला बटन दबा देना है, और ऐसी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और खबरें मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोगों को ये इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद आई होगी, और आप लोग मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं मैं कौन कौन सी वीडियो पे रिएक्शन दूं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।